यमुना नदी में बेकाबू कार गिरी है, पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी कार में गिरी नदी में कार गिरी है। हादसे में कार सवार युवक की मौत हुई है। जालौन से औरैया की तरफ आ रही थी कार। सदर कोतवाली के यमुना नदी पुल का यह मामला है, जहां देखिए तस्वीर भी सामने आई है, बेकाबू कार जो है वो यमुना नदी में गिरी है, पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में कार जो है वो गिर गई बेकाबू तेज रफ्तार। ये कार सबसे पहले तस्वीर न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं आप, जहां पर बेकाबू तेज रफ्तार कार अचानक रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई है। जालौन से औरैया की तरफ ये कार जा रही थी, तभी अनियंत्रित होकर यह कार जो है रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर जाती है। आगरा से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी थी। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार है। खेरागढ़ थाना क्षेत्र के नगला विष्णु का यह मामला है। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। मौके से फरार है वाहन चालक। हापुड़ से खबर है, जहां दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बदमाशों का कहर देखने को मिला है। दरअसल लूट के बाद पति के सामने ही महिला की हत्या कर दी गई। बाइक सवार चार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दंपति से गहने और 70,000 रुपए की नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड की यह घटना बताई जा रही है। और जौनपुर में हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 48,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी में कैद हुई है लूट की पूरी वारदात। जौनपुर में हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए दो जो शख्स हैं, जो हथियारबंद बदमाश हैं, ये पहुंचते हैं और उसके बाद बंदूक की नोक पर कैश लेकर फरार हो जाते हैं। चार एंगल सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, उसके बाद बाइक पर बैठकर 9-11 हो जाते हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बिल्डर्स की मनमानी रोकने के लिए सख्ती देखने को मिली है। बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए जिला पंचायत की सख्ती। बिना पंजीकरण के कॉलोनियों में भूखंड नहीं बेच पाएंगे बिल्डर। प्राधिकरण की सीमा में भी लागू होगा टैक्स और पंजीकरण का नियम। योजना पर आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं और आर्किटेक्ट के लिए भी पंजीकरण जरूरी है। अपर मुख्य अधिकारी ने एलडीएस से सूची मांगी है। नगर निगम की सीमा के बाहर 197 गांव में स्वीकृत नक्शा और गांवों की सूची मांगी गई है।